तो गजर गुजरात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5G को लेकर। तो अभी तक 5G काफी कुछ हो चुका है, लेकिन अब इंडिया में 5G लॉन्च होने ही वाला है। लगभग 3 से 4 महीने में इंडिया में 5G की सर्विसेस शुरू हो जाएगी। पूरे भारत में और सब जगह आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा 5G का। तो इस बार 5G के ऑक्शन में कुल 4 बड़े प्लेयर थे। पहला था जियो, फिर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड अदानी ग्रुप। और सबसे ज्यादा जो खर्चा किया वो किया है जियो ने, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन आइडिया और उसके बाद किया है अदानी ग्रुप ने। अदानी ग्रुप का कोई भी सिम कार्ड वगैरह नहीं आने वाला, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस बार अगर पैसों की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च हुए हैं 5G के ऑक्शन में। अब देखो, इसमें अदानी ने पार्टिसिपेट इसलिए किया कि गवर्नमेंट ने कहा था कि जिसको भी पार्टिसिपेट करना होगा 5G ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसलिए अदानी ग्रुप ने किया था। और अदानी ग्रुप ने सबसे कम 212 करोड़ रुपए खर्च किए थे इस ऑक्शन में, और अपने लिए, अपनी 5G सर्विसेज के लिए उन्होंने ये ऑक्शन पार्टिसिपेट किया था और अपने लिए सर्विसेज वो शुरू करेंगे। इसके बाद वोडाफोन आइडिया ने 18,879 करोड़ रुपए खर्च किया और एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए खर्च किए, और सबसे ज्यादा जियो ने 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इस 5G ऑक्शन में। और मिड बैंड, हाई बैंड सब कुछ खरीदा है जियो ने। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो ने मिड बैंड और हाई बैंड लगभग सभी में खर्च किया, लेकिन सबसे ज्यादा खर्च किया है जियो ने और उसके बाद एयरटेल ने। जियो और एयरटेल ये पूरे इंडिया में अपने 5G सर्विसेज को देने वाले हैं आगे चलकर, लेकिन जियो के पास ज्यादा बैंड्स है तो उसकी जो सर्विस क्वालिटी होगी वो शायद बेहतर होगी एयरटेल के मुकाबले। लेकिन एयरटेल के पास अभी शायद थोड़ा बजट का इश्यू हो, इसलिए उन्होंने कम खर्च किया है, लेकिन आगे चलकर अपनी जरूरत के हिसाब से वो और भी बैंड्स खरीद सकते हैं। लेकिन मिड बैंड में जो कि सर्विसेज हमको मिलने वाली है, उसको उन्होंने काफी अच्छे से लगभग सभी बैंड्स को खरीदा है। पैसों के बाद अब बात करते हैं कि 5G इंडिया में लॉन्च कैसे होगा, क्योंकि खर्च तो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन लॉन्च होना और अच्छी क्वालिटी में लॉन्च होना ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो 5G कुल 2 तरीके से लॉन्च होगा। एक होगा मिड बैंड 5G जो हम यूज करने वाले हैं 4G की तरह, और दूसरा होगा हाई बैंड 5G जो कुछ कुछ जगह पर अवेलेबल होगा और उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी। लेकिन ये जो हाई बैंड 5G है, इसमें जो एक्चुअल स्पीड है 5G की 1 Gbps की, वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वो कुछ कुछ जगह पर और कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए ही अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं 5G बैंड्स के बारे में। तो अभी तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं 5G की कनेक्टिविटी के साथ, उन सभी स्मार्टफोन में 5G चलने ही वाला है, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन 5G के साथ आए हैं उन सभी में N78 या फिर N71, इन दो बैंड्स का सपोर्ट तो है ही, और ये दो बैंड इंडिया में आने वाले है। इंडिया में काफी सारे बैंड्स आने वाले, N71, N78 और भी कई सारे हाई बैंड, मिड बैंड हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये सभी आएंगे। और जितने ज्यादा बैंड्स को भी स्मार्टफोन सपोर्ट करेगा, उतनी ज्यादा अच्छी 5G सर्विसेस आपको उस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। अब अगर ज्यादा बैंड रहेगा किसी स्मार्टफोन में, तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप जब भी ट्रैवल करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी इस स्मार्टफोन में। तो ये तो हो गया कि 5G किस तरह से अवेलेबल होगा और हमको किस तरह सर्विसेज मिलेगी। अब देखो, 5G जो है ना, काफी ऐसा दुनिया बदल देने वाला चीज नहीं होने वाला है। जैसा अभी हमको 4G देखने को मिल रहा है, उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा 5G में। अभी जो स्पीड हमको मिलती है शायद डबल हो जाए, लेकिन 1 Gbps या ऐसा कुछ मिड बैंड में या फिर जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा उसमें नहीं होने वाला है। जिस तरह से 3G से 4G में चेंज आया था, उसी तरह से 4G से 5G में आएगा। 3G में क्या होता था कि लोग वीडियोस YouTube पर नहीं देखते थे या फिर रील्स, ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन 4G के आने से ये सब आया। उसी तरह से जब 5G आएगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे, क्लाउड गेमिंग खेल पाएंगे, अपने जो वीडियो से आप अच्छी स्पीड पर और अच्छी क्वालिटी में देख पाओगे हमेशा। तो ये सब चेंजेस आएंगे और काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं 5G के, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं कीमतों को लेकर। तो अगर उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आप 4G का रिचार्ज अभी करवाते हो 3 महीने का 700 से 800 रुपए का, सभी ऑपरेटर का यही प्राइस है अभी, तो जब आप 5G का रिचार्ज करवाओगे 3 महीने का, तो आपको 1000 रुपए के आसपास वो पड़ेगा। मतलब कि 20 से 30% तक की बढ़ोतरी मिलेगी 5G डेटा के कीमतों में। तो ये सब रहने वाला है, लेकिन 30% की बढ़ोतरी है, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो लोग वाईफाई वगैरह यूज करते हैं 100 Mbps या फिर 200 Mbps की स्पीड को लोग अभी एंजॉय करते हैं, उनके लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ स्मार्टफोन पे ही डेटा का यूज करते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा चेंजेस आएगा 5G के बाद। अब ये 5G की जो सर्विसेज है, पहले कुछ ही शहरों तक लिमिट रहेगी, लेकिन भारत के जो भी मेन सिटी हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, ये सब जगह और काफी सिटीज है जहां पर आपको 5G सर्विसेज शुरुआत में देखने को मिलेगी,
और उसके बाद 6-8 महीने या फिर साल भर में पूरे इंडिया में 5G का जो नेटवर्क है वो अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 4G को देखो आप तो 2 से 3 साल लगा था पूरे इंडिया में पहुंचने में, उसी तरह से 5G को भी 1.5 साल का वक्त लगेगा पूरे इंडिया में फैलने के लिए। अब देखो हमारे यहाँ 5G थोड़ा सा लेट आ रहा है, क्योंकि अगर देखो दुनिया में जैसे US वगैरह में तो लगभग 2 से 3 साल हो गया वहाँ पर 5G आई है, हमारे यहाँ पर लेट आ रहा है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कह रही है कि जो 5G की जो कीमत होगी वो कम होंगी, तो लेट होने के बाद अगर कीमतें कम रहेंगी तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कीमतें काफ़ी ज़्यादा ना बढ़े डेटा की तो भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है 5G को लेकर तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली वीडियो में। तो WhatsApp, Twitter, Facebook, Insta जहां भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।